आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बाइक को स्कूटर रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब ये नियम तोड़ा तो खानी होगी जेल की हवा, एनजीटी ने जारी किए हैं आदेश। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस किया है रद्द, आखिर कौन से बैंक का हुआ लाइसेंस रद्द बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स की सहमति अब नहीं हो जरूरी, सरकार ने नियमों में किया है बदलाव, क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर इंजेक्शन से डरने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट, सभी नौकरियों में आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बच्चों के स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स की सहमति अब जरूरी नहीं, केंद्र सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। देश में कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बीच कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोला जा चुका है, वही कई राज्यों में स्कूल खोले जाने की तैयारी भी है। इस बीच केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर बड़ा बदलाव किया। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि छात्रों को स्कूल बुलाने को लेकर पेरेंट्स की सहमति पर वे अपने स्तर पर फैसला लें। वही केंद्र के इस निर्देश के बाद अब राज्य अपने हिसाब से अपन निर्णय जो है वो ले सकेंगे। वे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र का कहना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर यह तय कर सकती है कि क्या उनके फिजिकल क्लासेस में भाग लेने वाले छात्रों के माता पिता की सहमति लेना की आवश्यकता है या नहीं, इस पर यहाँ पर वो फैसला ले सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया है रद्द, पिछले साल लगी थी पैसे निकालने पर पाबंदी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक अब ग्राहकों को सेवा नहीं दे पाएगा। दरअसल आरबीआई ने गुरुवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 3 फरवरी 2022 के बाद कारोबार यहाँ पर नहीं कर पाएगा। वह बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते साल भी रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर पाबंदी यहाँ पर लगाई थी। तब के फैसले के कारण ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे। वह बैंक की कारोबारी स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद रिजर्व बैंक ने अब लाइसेंस रद्द करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने इस संबंध में यहाँ पर विभागों के अधिकारियों को इस बारे में सूचित यहाँ पर कर दिया। वह बैंक ने ग्राहकों की जमा राशि को नियमों के तहत लौटाने के संबंध में कदम उठाने की बात भी कही है। वही आरबीआई ने अपने फैसले में कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और उसे आगे चलकर कमाई की संभावना भी यहां पर नहीं नजर आ रही, ऐसे में लाइसेंस रद्द करना ही ग्राहकों के हित में है। वही आरबीआई के आदेश के मुताबिक डीआईसी जीसी जो स्कीम है इसके तहत यहाँ पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जो जमा राशि है वो लौटा दी जाएगी। वे बैंक के डेटा के मुताबिक यहाँ 99 खाताधारक अपनी पूरी रकम पाने के हकदार है, यानी उनके बैंक खाते में 5 लाख रुपए से कम की राशि यहाँ पर जमा है। ऐसे में बैंक यहाँ पर बैंक लाइसेंस रद्द करने के फैसले के मात्र 1% ग्राहक ही इसे यहाँ पर प्रभावित होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगाई है रोक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की जॉब में 75% आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है। वहीं हरियाणा सरकार के आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से यहां पर मांग की थी। वहीं गुरुवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने का आदेश भी यहाँ पर दिया है। बता दें आपको कि हरियाणा के निवासियों को जो स्थानीय निवासी हैं उनको निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले एक्ट को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 फरवरी तक स्थगित कर दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या यहाँ पर क्यों ना सरकार इस एक्ट को यहाँ पर रोक लगा दे। इस मामले में दायर याचिकाओं में रोजगार अधिनियम 1920 को रद्द करने की मांग की गई है। वह याचिका में आशंका यहाँ पर जताई गई है कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है तथा वास्तविक यहाँ पर कौशल युक्त युवाओं को अधिकार जो कौशल युक्त युवाओं है उनके अधिकारों का हनन है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हीरो इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स को 2-व्हीलर व्हीकल पर मिलेगा बेहतर फाइनेंस ऑप्शन, एक्सिस बैंक के साथ किया है करार। हीरो इलेक्ट्रिक्स ने गुरुवार को कहा है कि उसने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए रिटेल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। वही हीरो इलेक्ट्रिक के कस्टमर
कंपनी के 750 से अधिक डीलरों के नेटवर्क पर टू व्हीलर फाइनेंसिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अधिनियम तोड़ा तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, एनजीटी ने जारी किए हैं आदेश। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर यापन करते हैं। इस दौरान कई लोग रेलवे स्टेशन पर चिप्स और खाने पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कई और चीजें यहाँ पर बिना चूसे समझे इधर उधर फेंक देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे एक्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस आदत के चलते आपके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं, जिन आदेशों को यहाँ पर आईआरसीटीसी ने सभी स्टेशन पर प्रभारियों को भेज दिया है। इसलिए बिना सोचे समझे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की बिल्कुल भी ना सोचे, वही रेपर बॉक्स में ही यहाँ पर डाले ताकि स्टेशन पर गंदगी ना फैले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएंगे पेंशन से जुड़े सभी फायदे, शुरू हुई है स्पेशल सर्विस। रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर निकल कर, दरअसल सरकार ने रिटायरमेंट पर मिलने वाले सभी तरह की पेंशन फायदे को जल्द से जल्द देने का फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को रिटायर होने वाले दिन ही यहाँ पर पेंशन का लाभ देने का निर्देश यहाँ पर दे दिया है। इसके तहत ईपीपीओ ने यहाँ पर निर्बध सेवा शुरू यहाँ पर की है, जिसके तहत कर्मचारी को रिटायर होने की तारीख पर ही यहाँ पर सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वह ईपीएफओ ने ट्वीट करके बताया है कि ईपीएफओ द्वारा निर्बध सेवा अंशदाता सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के दिन ही यहाँ पर पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ ले सकेंगे। इससे हर साल रिटायर होने वाले करीब 3 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बघेल सरकार ने लागू किया है ये फैसला। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर कल हुई बैठक में भी यहाँ पर मोहर लग गई थी। वही कैबिनेट के प्रस्ताव के पास होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में ये फैसला यहाँ पर लागू हो गया है। मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 वर्किंग डे और 2 दिन अवकाश की घोषणा यहाँ पर की थी। वह बघेल सरकार ने घोषणा के बाद अब सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ में केवल 5 ही दिन काम करेंगे, जबकि हफ्ते में 2 दिन अवकाश बोलेंगे। वह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से अधिसूचना यहाँ पर इसके लिए जारी कर दी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 3 डोज वाली पहली कोरोना वैक्सीन की भारत में सप्लाई हुई है शुरू। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया। दरअसल स्वदेशी कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी की सप्लाई यहां पर शुरू कर दी है। ये वैक्सीन 12 साल और उससे ऊपर के लोगों को यहां पर दी जाएगी। हालांकि भारत में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को ये लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसमें सुई का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा, यानी ये वैक्सीन यहां पर नीडल फ्री वैक्सीन है, इसे बिना सुई के ही दिया जाएगा। इसके अलावा ये वैक्सीन 3 डोज वाली वैक्सीन है, जो बाकी वैक्सीनों से बिल्कुल अलग है। वही जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है जाइकोव डी को केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में यहाँ पर मंजूरी दी थी। हालांकि अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस वैक्सीन का यहाँ पर इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अभी तक दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही थी वो या तो सिंगल डोज है या फिर डबल डोज है, लेकिन जाइकोव डी पहली वैक्सीन है जो 3 डोज यहाँ पर जिसकी लगाई जाएगी। इसमें यहाँ पर सुई का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे यहाँ पर जेट इंजेक्टर के तरह यहाँ पर लगाया जाएगा। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों के स्किन में यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा। इस डिवाइस का आविष्कार 1960 में हुआ था। वही WHO ने 2013 में इसके इस्तेमाल को मंजूरी यहाँ पर दी थी। वही जाइकोव डी दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन है वो यहाँ पर mRNA का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये यहाँ पर प्लाज्मा DNA का इस्तेमाल यहाँ पर करती है। चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए 1,72,000 से अधिक नए केस, लगातार तीसरे दिन 2 लाख से भी कम आए हैं केस। देश में पिछले 24 घंटों में 1,72,000 नए कोरोना केस सामने आए। इस दौरान 2,59,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,005 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले भी यहाँ पर 1,61,000 से अधिक केस यहाँ पर मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले यहाँ पर 11,000 अधिक यहाँ पर संक्रमित मरीज मिले हैं। यह नए केसों में 6.4% की पुष्टि यहाँ पर हुई है, यानी ये बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। वही देश में पॉजिटिविटी रेट कल 10.99% दर्ज यहाँ पर दर्ज किया गया था। वही मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 9.26% था। वही सोमवार को देश में यहाँ पर 2 लाख से कम नए केस यहाँ पर सामने आए थे। वही पिछले रविवार को सबसे ज्यादा 3,47,000 से अधिक नए केस मिले थे। वही पिछले रविवार के बाद
देश में कोरोना केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15,33,000 के आसपास है। पिछले दिनों के मुकाबले एक्टिव केसों की संख्या में करीब 90,000 की कमी यहाँ पर हुई है। वही कुल केस यहाँ पर 4,18,00,000 पार पहुंच चुके हैं। वही हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1,008 मौतें दर्ज की गई है। 335 मौतें केरल में पिछले दिनों के दौरान हुई थी, इनके आंकड़े भी यहाँ पर सामने आए हैं। वही टोटल कोरोना केसों की संख्या 4,18,00,000 हो चुकी है। कुल रिकवरी 3,57,00,000 हो चुकी है। कुल मौतें यहाँ पर 4,58,000 के पास यहाँ पर हो चुकी है। वही सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो यहाँ पर केरल में पिछले 24 घंटों में 165 मौतें हुई है। वही 52,199 के सामने हैं। वही महामारी से अब तक यहाँ पर 61,00,000 से अधिक के सामने इस राज्य में आ चुके हैं। वही इनमें यहाँ पर अब तक यहाँ पर 56,000 से अधिक लोगों की मौत केरल में हो चुकी है। वही 41% यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। वही यहाँ पर कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 20,000 नए केस आए हैं, जबकि 40,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 81 लोगों की पिछले 24 घंटों में इस राज्य में मौत हुई थी। एक दिन पहले यहाँ पर 14,000 नए केस सामने थे, 58 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर इस राज्य में केस यहाँ पर बढ़े हैं, 6,000 केस यहाँ पर बढ़े हैं। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में नए केसों में बढ़ोतरी हुई है। वही 18,067 नए केस मिले, इस दौरान 79 लोगों की मौत हुई है। वही अब यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर 1,33,000 के आसपास हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 9.40% है। वही तमिलनाडु में कोरोना केसों में यहाँ पर लगातार उतरा चढ़ाव का दौर जारी है। वही 14,000 नए केस आए हैं। वही 24,000 से अधिक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 14,000 के आसपास केस सामने यहाँ पर केस कम हुए हैं। वही कल यहाँ पर 16,000 के आसपास केस आए थे, अब यहाँ पर केसों में कमी आई है। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 8,934 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले 8,300 केस यहाँ पर मिले थे। वही पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही 7.15% यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिविटी जो रेट है वो चल रहा है। इसके अलावा MP में पिछले 24 घंटों में 7,359 नए मामले सामने आए हैं। वही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,983 और राजस्थान में 8,428 और उत्तर प्रदेश में 5,017 और ओडिशा में 3,450 नए केस पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं।